Right, methane effect of temperature on resistivity of alloy. देखिए effect of temperature on resistivity of metallic conductor हमने बता दिया था कि resistivity of metallic conductor ये directly proportional to absolute temperature. और इसके लिए आपने देखिए पॉपर में ग्राफ दिखाया है देखिए पहले ना तो देखिए 0 से 50 इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है और वेरिएशन जो लीनियर नहीं है आफ्टर 50 ये वेरिएशन लीनियर हो जाता है ठीक है तो सो रेजिस्टिविटी और मेटेलिक कंडक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर यहां बोल कर रहा ना लीनियर रिलेशन में जा ठीक है अब उसके बाद देखिए एलॉय के कंडीशन में भी ये चीज मिलता है एलॉय के कंडीशन में भी ये चीज मिलता है इन केस ऑफ एलॉय व्हाट आर एलॉय एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स है एलॉय क्या होते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स ठीक है तो एलॉय के केस में जो है रेजिस्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर नहीं होगा लेकिन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज आर इंक्रीजिंग टेंपरेचर है रेजिस्टिविटी जो है टेंपरेचर के बढ़ने से बढ़ता है एलॉय के केस में रेजिस्टिविटी टेंपरेचर के बढ़ने से बढ़ती है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर लेकिन चेंज इज वेरी स्मॉल चेंज क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर बहुत स्मॉल होता है दिस इज टेक चेंज बहुत लार्ज है थोड़ा सा टेंपरेचर चेंज पर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ना बट इन केस ऑफ एलॉय दिस चेंज इज वेरी स्मॉल ठीक है तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय increases on increasing temperature. Increases on increasing temperature. On increasing. On increasing. Okay. On increasing temperature. Huh? But this change is very small. But change is very small. But change is very small. Change is very small. Change होता है वो कम होता है ठीक है मेटल केस में ज्यादा होता है तो जैसे आप नाइक्रोम के लिए ग्राफ कीजिएगा तो आपको इस तरह जैसे यहाँ पर जीरो है ठीक है यहाँ मानते हैं कि जैसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 केल्विन है और 500 केल्विन 1000 केल्विन और 1500 केल्विन और 2000 इसमें टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा करेगा सब रेजिस्टेंस चेंज आपको यहाँ रेजिस्टिविटी जो भी आपके इसका टेन रेट पर मान के चढ़ा दो पर टेन रेट पर मान के आड़ दो और ये वाले जैसे वन और 1.1 या फिर 1.2 1.3 1.4 जो एक चेंज आपको मिलेगा तो अरे ये तो क्या
तो देखिए इसे जो चेंज है, अगर हम 0 से 800 केल्विन चेंज करते हैं, ये आपका 800 केल्विन तक अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तब ये वैल्यू क्या होगी बताओ। जैसे 1.5 से 1.05 नियर अबाउट 0.5 में 1.05 से 1.2 हो जाएगा, यानी 1.2 माइनस 1.05 से कितना चेंज आया, 0.15 पर चेंज आएगा, कितने का आएगा 0.15, 0.15 पर चेंज आएगा। और आई एम गेजिंग टेम्परेचर बाय 800 केल्विन का चेंज करेगा, ठीक है, तब आपको चेंज है 0.15 पर मिलेगा, हाँ 0.15 × 10⁻⁶ 0.15 × 10⁻⁶ जो कि एक नेगलिजिबल क्वांटिटी है, क्या है नेगलिजिबल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ भी आपको लीनियर चेंज मिलता है, बट दिस चेंज इज वेरी स्मॉल, ये चेंज क्या है बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल। तो रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आल्सो इंक्रीजेस लाइक मेटल्स, मेटल की तरह इसका भी बढ़ता है, बट चेंज इज स्मॉल, चेंज होता है बहुत कम, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, जैसे 0 केल्विन पर भी इसके पास एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टिविटी है, मेटल का 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है 0 नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट हैज ए सर्टेन वैल्यू, इट हैज सर्टेन वैल्यू ना, तो इस वैल्यू क्या कहेंगे, रेसिडुअल रेजिस्टिविटी, इसे क्या कहा जाता है रेसिडुअल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ एलॉयज एट 0 केल्विन इज कॉल्ड रेसिडुअल रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, हाँ खड़े हो स्टैंड अप, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज एट 0 केल्विन क्या कहलाता है, एक बार फिर से बताए, हैं क्यों बताए, तुम बताओ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज एट 0 केल्विन क्या कहलाता है, 0.15 पढ़ो, जीरो कैल्विन पर वैल्यू 0 नहीं है, एलॉयज सर्टेन वैल्यू एट 0 केल्विन,
बार बार चिंता हो रहा है, ये क्या गलत है? ये गलत है, रेसिडुअल एसिडिटी, इसे क्या कहेंगे? ये पार्ट रेसिडिटी पोसेस्ड बाय एलॉयड्स 80 केल्विन, इसका रेसिडुअल रेसिडिटी, रेसिडुअल रेसिडिटी है, ठीक है, या आपका रेसिडुअल रेसिडिटी कर रहा है। तो देखिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेसिस्टिविटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर टेंपरेचर आप बढ़ाइएगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है, मेटल्स और एलॉयज का बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज करता है, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर on resistivity of alloys, effect of temperature on resistivity of alloys, the alloys ke case mein jo resistivity increases, resistivity decreases on reading temperature. Resistivity decreases. विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करेगा, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी तो पार्टिकल इजीली मूव करेंगे, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब कैटायन एनर्जी मूव करेगी तो रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा सेमीकंडक्टर केस में भी डिक्रीज करेगा, मेटल्स और एलॉयज केस में बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिक्रीज करते हैं, तो रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस ऑन रीडिंग टेम्परेचर ऑफ एलॉयज, सॉरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट एलॉयज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ ऑन रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी ऑफ दी सेमीकंडक्टर डिग्री, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिग्री, सेमीकंडक्टर डिग्री 2 डिग्री करता है, बताओ डिग्री क्यों करता है? रेसिस्टिविटी रोज
होता है, तो फिर भी इंक्रीज टेम्परेचर देन बॉन्ड ब्रेक्स। बॉन्ड क्या होता है? सेमीकंडक्टर के जो कोवेलेंट बॉन्ड से टूटते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर है। जब ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रो कौन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। जब बॉन्ड टूटता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में बढ़ जाते हैं, जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में बढ़ जाएंगे तब फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो रो का मान कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और तो आन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये इक्वेशन हो जाएगा, आन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स इनसाइड में आन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ सेमीकंडक्टर कोवेलेंट बॉन्ड्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर सा ले, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सो टेम्परेचर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव होता है, और इसलिए सेमीकंडक्टर के लिए जो फार्मूला होगा रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो के वन माइनस अल्फा के और आर इज इक्वल टू आर के वन माइनस अल्फा, इसमें प्लस नहीं रहेगा, क्या रहेगा माइनस। और कंडक्टर और एलॉय के केस में वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। चलिए, ये आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स ये हो गया।